नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर की टहटक। आज सबसे पहले हम हरियाणा राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि कल एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हरियाणा कांग्रेस को हिला कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि किरण चौधरी ठीक विधानसभा चुनाव से लगभग ढाई से तीन महीने पहले कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देंगी, और ये भी नहीं सोचा था कि जिस बीजेपी की वो आलोचना करती थी उसी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। जी हाँ, शामिल होने जा भी रही हैं। थोड़ा ही समय बचा है, विधिवत रूप से बीजेपी का दामन थाम लेंगी किरण चौधरी, क्योंकि इस बात की पुष्टि खबरें अभी तक बहुत पहले ही कर चुका था और आप तक सबसे पहले हमने जानकारी भी पहुंचाई थी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने खुद किरण चौधरी से सबसे पहले बातचीत कर इस बात की पुष्टि भी की थी और उसके बाद हमने ये खबर आपके सामने प्रसारित भी की है। लेकिन अभी अंदर की बात बहुत सी है, खबर की तह तक पहुंचेंगे और इस खबर की गहराई तक पहुंचकर बहुत सी जानकारियां लेकर हम आपके सामने अब हाजिर हैं और चर्चा भी करेंगे कि किरण चौधरी ने आखिरकार कांग्रेस को किन कारणों की वजह से अलविदा कहा है। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी के साथ ये खबर बता दें कि हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका किरण चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले दे दिया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ऐसी नेता थी कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। श्रुति चौधरी सांसद रही, हालांकि उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा तो कामयाबी हासिल नहीं हुई और अब तो टिकट भी नहीं मिला था। और इधर किरण चौधरी अपने आप को हमेशा विधानसभा चुनाव में साबित करती रही, मंत्री भी रही हैं भूपेंद्र हुड्डा सरकार में हरियाणा में। लेकिन आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी उनको बनाया गया था कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ना दिया हो। लेकिन अब जब मौजूदा परिस्थितियां थी वो उनके अनुकूल नहीं थी, ये उनका लगता था। अभी सीधे सीधे आपको एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंची हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, सबसे पहले बड़ा अपडेट आपके सामने। इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है किरण चौधरी। जानकारी यही दी गई थी कि 10:30 बजे के करीब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल हो जाएंगी। मनोहर लाल का बड़ा रोल है इसमें, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री, इनको मालूम है कि कैसे रणनीति बनानी होती है। और इस समय हरियाणा में बेशक वो केंद्रीय टीम में शामिल हो गए हो, मोदी टीम में शामिल हो गए हो, लेकिन हरियाणा पर फोकस पूरा बड़ा है और ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी अभी दी है कि वो हरियाणा पर जरूर फोकस करें, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में जीतना बीजेपी के लिए चुनौती भी है और बड़ा लक्ष्य भी है। और इसी फहरिस्त में किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल हो जाना, ये आप मानकर चलिए कि भिवानी की तरफ अगर आप राजनीतिक तौर पर नजर दौड़ाएं, बंसीलाल परिवार, उनकी विरासत और किरण चौधरी, इनके बारे में बात हो रही है, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ा झटका भी मिल सकता है चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चर्चाएं ही हैं। तस्वीरें आपके सामने हमें दिखा रहे, तस्वीरों में किरण चौधरी बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। एक पुराना परिवार छोड़कर एक नए राजनीतिक परिवार में शामिल होने के लिए वो जा रही है। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी दोनों माँ बेटी जो कि अब बीजेपी पार्टी को राजनीतिक तौर पर अपनी माँ बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता अपनी पार्टी को माँ बताते हैं। और ऐसे में आज ये दोनों माँ बेटी देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, और देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल तो हो रही है लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी को छोड़कर देश की सबसे बड़ी पार्टी में उनके कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी के नेता आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, कांग्रेस के नहीं, क्योंकि अब किरण चौधरी को भी आदत डालनी होगी कि अब बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर बैठकर इनको कांग्रेस के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। कल तक जो कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रही थी, अब इसके बड़े बड़े कारण भी हैं, क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, वजह क्या थी, ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों तक, इतने दशकों तक एक पार्टी में लगातार आप काम करते रहे। इससे पहले इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता छोड़कर अपनी पार्टी भी बना चुके थे या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा हरियाणा में। हरियाणा का इतिहास ये गवाही देता है कि बड़े बड़े जो नेता थे कांग्रेस पार्टी को सींच रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और कामयाबी हासिल की है। ऐसी बात नहीं कि वो कामयाब नहीं हुए राजनीतिक तौर पर। यही सोच होगी किरण चौधरी की कि अब जब कांग्रेस पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रही, टिकट का आवंटन हुआ था उसमें उनकी ज़्यादा पूछ नहीं हुई, यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी टिकट नहीं मिला, भिवानी मंदिरगढ़ से वो चाहवान थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरें तो ये भी आई थी और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी
जब टिकट का बंटवारा होने वाला था उससे पहले सोनिया गांधी तक भी मुलाकात की गई थी। लेकिन समर्थक बताते हैं किरण चौधरी के कि तवज्जो अगर मिली तो भूपेंद्र हुड्डा को मिली है टिकट आवंटन में भी, और किरण चौधरी को तवज्जो नहीं मिली। यही भी एक बड़ी वजह भी है कि किरण चौधरी जो कि बीजेपी में शामिल होने जा रही है वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं विस्तार से कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कारण क्या रहा है, क्यों किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है। 6 पॉइंट्स आपके सामने हम रख रहे हैं, उसके बाद चर्चा भी करेंगे। एक एक करके वो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप समझ सके। पहला पॉइंट, कांग्रेस पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगातार उनके समर्थकों की तरफ से लगाया गया और उनके समर्थक ये चाहते भी थे कि वो बड़ा निर्णय ले। दूसरा, टिकट आवंटन में जो भी किया गया उससे खफा भी थी किरण चौधरी, नाराज थी और उनकी नाराजगी बयानों में साफ दिखाई दे रही थी। बेबाक बयान दिए गए लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ आलाकमान पर, कोई रिस्पॉन्स आलाकमान का खास नहीं आया उनके लिए। SRK यानी कि सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी, S मतलब शैलजा, R मतलब रणदीप, K मतलब किरण चौधरी, ये SRK एक ग्रुप बताया गया और विरोधी भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते थे SRK बोलकर। SRK एक साथ आए यानी कि ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी में एक साथ आए। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बातें खूब इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर कही गई लेकिन फिर भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं रहा। इधर टिकट का आवंटन तो अलग बात थी, उसमें तवज्जो मिली हो या ना मिली हो, लेकिन श्रुति चौधरी को भी टिकट नहीं दिलवा पाई किरण चौधरी, तो अपने आप को इसलिए और भी असहज महसूस कर रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर किरण चौधरी। और छठा बड़ा पॉइंट, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व से सबसे बड़ी परेशानी, और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है, कांग्रेस पार्टी को वो जब छोड़ रही हैं तो सबसे बड़ी बात अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर ही निशाना है। हमारे साथ अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं, इसी पर हम बातचीत भी करते हैं और कुछ देर बाद तस्वीरें और भी ताज़ा सामने आएंगी तो वो भी आपके सामने हम जरूर रखेंगे। अनिल, जो हम ये कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बड़े कारण बता रहे हैं दर्शकों को, किरण चौधरी क्या इन्हीं वजह से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही रही कि उनको ये उम्मीद थी कि आलाकमान कभी तो उनकी सुनेगा या फिर ऐसा कोई निर्णय उनके पक्ष में लेगा कि उनको लगे कि हाँ उनकी पूछ कांग्रेस पार्टी में अच्छी खासी अभी भी है। एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाली किरण चौधरी और मंत्री भी रही, कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया भी, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ इस पार्टी में ना मिला हो, मान सम्मान मिला, लेकिन आज पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ कि किरण चौधरी इतना बड़ा फैसला राजनीतिक तौर पर ले रही है कि दशकों से एक पार्टी में थी और वो देश की सबसे बड़ी पुरानी छोड़कर पार्टी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने जा रही है। देखिए कमल, फिलहाल की अगर बात करें, किरण चौधरी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में बीजेपी मुख्यालय में पहुँचे हैं। उनकी ज्वाइनिंग के दौरान अगर कमल बात करें, जो बीजेपी के जो केंद्रीय महामंत्री वो मौजूद रहेंगे, और जो संभावना है कि किरण चौधरी श्रुति चौधरी की ज्वाइनिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। और जो आपने कहा कि वजह क्या रही, वजह कई थी किरण चौधरी की, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बनी वो ये बनी कि लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की टिकट कटना, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी की टिकट काट कर रावदान सिंह को टिकट दी गई। हालांकि रावदान सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाए और रावदान सिंह ने अपनी हार के लिए कहीं ना कहीं किरण चौधरी को जिम्मेदार ठहरा और किरण चौधरी पर उनकी तरफ से बयानबाजी के बयान दिए गए। फिर उसके बाद किरण चौधरी ने भी लगातार वार पलटवार
किया, उनकी तरफ से भी रावधान सिंह पर निशाना साधा गया। किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की सभी हलकों में रावधान सिंह हारे हैं। खुद रावधान सिंह का जो हलका था महेंद्रगढ़, वहाँ पर भी रावधान सिंह हारे हैं, अपने बूथ पर रावधान सिंह हारे। तो इस तरीके के बयान कुल किरण चौधरी की तरफ से दिए गए, लेकिन क्योंकि जो एक दोनों में वार पलटवार हो रहा था लगातार, किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साध रही थी और कहीं ना कहीं किरण चौधरी को लगने लगा था कि अब कांग्रेस में उनके पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि ये देखिए, किरण चौधरी खुद तो शाम से चुनाव लड़ती थी, श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती थी और किरण चौधरी के कहने पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कई सीटें बांटी जाती थी, कई सीटों में किरण चौधरी का रोल रहता था, लेकिन कई टिकटों में उनका रोल था बड़ा। लेकिन अब किरण चौधरी को लगने लगा था कि अब कांग्रेस में उनके जो वर्चस्व होना चाहिए था, जो उनकी पूछ होनी चाहिए थी आलाकमान की नज़रों में, उतनी रही नहीं। और जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी की तरफ से भी ज़्यादा अब तवज्जो किरण चौधरी को नहीं दी जा रही थी, तो किरण चौधरी को लगने लगा था कि अब कांग्रेस में उनका भविष्य उतना सुरक्षित नहीं है। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में कांग्रेस के अंदर चलती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा था, तो तमाम समीकरणों का देखते हुए किरण चौधरी की तरफ से बीजेपी में जाने का फैसला लिया गया। और बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में वो बीजेपी में शामिल हो रही है। मनोहर लाल से पिछले दिनों उनकी बातचीत हुई थी, मनोहर लाल ने बीजेपी आलाकमान से बातचीत की, फिर उसके बाद किरण चौधरी का बीजेपी में जाने का मन बना। अब बीजेपी में, कांग्रेस में, बीजेपी में थोड़ी देर में शामिल हो जाएगी किरण चौधरी, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री की अगुवाई में किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होंगी। आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी की तरफ से भी बयान सामने आया था। अनिल, मैं चाहता हूं दर्शकों को हमारी टीम वो दोनों बयान सुनाए। इधर बीजेपी का पक्ष फिलहाल सामने आया जो, और कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया पहली सामने आई है कांग्रेस विधायक की तरफ से, वो दोनों प्रतिक्रिया हम सुनवाते हैं। उसके बाद अपडेट के साथ फिर से तस्वीरें दिखाएंगे हम किरण चौधरी की और इस पर हम बने रहेंगे। सुनिए, देखिए, चौधरी बंसीलाल का एक बड़ा स्थान हरियाणा के अंदर रहा है और उसने विकास के मामले में हरियाणा को आगे बढ़ाने का ईमानदारी से काम किया है। ऐसे परिवार को भी कांग्रेस में दरकिनार करना, मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने, और यहाँ तो सिर्फ एक परिवार की चलती है, जैसे दिल्ली में परिवार की चलती है वैसे हरियाणा में परिवार की चलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं और बड़े नेताओं की बलि देने में लगे हुए। देखो, वैसे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी, अंदर की बात मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन अब जिन्होंने छोड़ दिया है जी, तो ये भी सोचना चाहिए कि सारी उम्र कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस ने आपके साथ बहुत कुछ किया है आपको जी। एक व्यक्ति की वजह से या किसी को आरोप लगा के कांग्रेस छोड़ देना, अगर दो भाइयों का झगड़ा हो जाए तो माँ बाप को घर से थोड़ी निकाल सकते हैं, कांग्रेस का माँ बाप है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई गुप्ता, सब लोग कांग्रेस में है और कांग्रेस में थे जी। और कांग्रेस में जिसको रहना रहेगा, जो समुंदर है जी, कोई चला भी जाएगा क्या फर्क पड़ेगा। तो लेकिन जी, हाईकमांड को और जिन लोगों के हाथ में पावर है, मैं उनसे अपील करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस के सभी नेताओं की समान रूप से इज्जत होनी चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, सत्ता में लाने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो अभी प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है आना शुरू हुआ है, एक एक करके देखिए आप। सबसे बड़ी बात ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा इस पर क्या बयान देंगे। ऐसा लग रहा है कि मानो किरण चौधरी ने अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है तो भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा कारण थे। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी थी, पहली प्रतिक्रिया, लेकिन आज जब बीजेपी मुख्यालय में वो पटका पहनेगी बीजेपी का और उसके बाद जब संबोधित करेंगे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मीडिया बंधुओं को, तब वो क्या कहती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ज्वाइन करने का उनका कारण क्या और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वजह क्या है। एक एक करके हम आपको कुछ और जानकारी बताना चाहते हैं किरण चौधरी के बारे में। उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आप जानते हैं बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप व्यक्तिगत तौर पर भी वो सक्षम नहीं है, सक्षम है और उन्होंने बैक टू बैक चुनाव लड़े और जीते भी हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू हैं और बंसीलाल का नाम बड़ा है। किरण चौधरी की शादी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह से हुई थी और किरण चौधरी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली से की थी।
धीरे धीरे हरियाणा की तरफ उनका झुकाव रहा राजनीतिक तौर पर। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी ने जीत दर्ज की थी। अब सोचिए, राजधानी दिल्ली से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2005 में किरण चौधरी के पति सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ, उसके बाद उनके लिए थोड़ी चुनौती जरूर थी, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे राजनीतिक तौर पर अपने आप को और परिवार को मजबूत करना है। हार नहीं मानी उन्होंने, आगे उन्होंने चुनाव लड़े लगातार 3 बार, तो शाम सीट से जीत दर्ज करने वाली किरण चौधरी आज बीजेपी में शामिल होने जा रही। किरण चौधरी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव भी रही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। किरण चौधरी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं। इनका लंबा चौड़ा करियर है। किरण चौधरी का जन्म जून 1955 में नई दिल्ली में ही हुआ था। उनकी शादी, जैसे कि हमने बताया, सुरेंद्र सिंह से हुई थी। किरण चौधरी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प है उनके लिए। दिल्ली कैंट से विधायक रह चुकी हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। किरण चौधरी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी, और कुछ देर बाद फिर से हम वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई थी, फिर से तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले खबरें अब तक नहीं, तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। कुछ देर बाद बीजेपी को ज्वाइन करने वाली हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और मौजूदा विधायक, तो शाम से किरण चौधरी जो बीजेपी को मजबूत करने वाली हैं भिवानी एरिया से। और तस्वीरें जो सामने आई है वो देख सकते हैं आप। अब बस इंतजार है उन तस्वीरों का जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आपको दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बताया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में किरण चौधरी बीजेपी का दामन थामेंगी और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व से भी कोई बड़ा नेता यहां शामिल हो सकता है। हम जानकारी हासिल करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर से अनिल मोर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इन तस्वीरों के साथ। अनिल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए कमल, किरण चौधरी का जैसा हम बात कर रहे हैं, किरण चौधरी का कोई छोटा कद नहीं। सबसे पहले उनके ससुर चौधरी बंसीलाल की बात करते हैं। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे, हरियाणा का विकास पुरुष उनको कहा जाता है। केंद्र में वो मंत्री बने, इसके अलावा हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री बने। उनकी तरफ से अपनी खुद की पार्टी बनाई गई थी, हवीपा, यानी हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में उनकी सरकार बनी थी, तो एक बड़ा कद चौधरी बंसीलाल का था। इंदिरा गांधी के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे, और एक वक्त था चौधरी बंसीलाल की केंद्र की राजनीति में भी तूती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल का कितना बड़ा कद था। अब बात करते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह की। चौधरी सुरेंद्र सिंह किरण चौधरी के पति थे, हरियाणा के कृषि मंत्री रहे, उनका भी बड़ा कद था। किरण चौधरी खुद दिल्ली से विधायक रह चुके, दिल्ली कैंट से वो 2000 में विधायक बनी थी, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी थी। 2005 में जब चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ, तब किरण चौधरी ने हरियाणा की राजनीति में एंट्री की थी। 2005 में जब बाई इलेक्शन हुआ, वो तोशाम से विधायक बनी थी, और उस वक्त वो हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। 2009 में दोबारा विधायक बनी, हुडा कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनी। 2014 में विधायक बनी, फिर वो नेता प्रतिपक्ष सीएलपी लीडर बनी। तो यानी आप खुद देख सकते हैं कि पांच 2019 में विधायक बनी, 5 बार वो विधायक रह चुकी है, सीएलपी लीडर, 2 बार मंत्री, डिप्टी स्पीकर रह चुकी है, बड़ा कद है। श्रुति चौधरी की बात करते हैं, 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से वो सांसद बनी, कांग्रेस की प्रदेश सचिव वो रह चुकी है, फिलहाल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है। यानी बड़ा कद है, बड़ा परिवार है। चौधरी बंसीलाल के पूरे हरियाणा समर्थक होते थे, तो उस नाते बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने जा रहा। खासतौर से दक्षिण हरियाणा की बात करें, दक्षिण हरियाणा के उन जिलों की बात करें, भिवानी की बात करते हैं, भिवानी में बड़ा जनाधार है, दादरी जिले में बड़ा जनाधार है, महेंद्रगढ़, यानी इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी को फायदा मिलेगा, वहीं पूरे हरियाणा में एक बड़ा मैसेज आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा की राजनीति के 3 बड़े लाल होते थे, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। अब तीनों लालों के जो परिवार है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति करते नजर आएंगे। रंजीत चौटाला जो चौधरी देवीलाल के बेटे, पहले से बीजेपी में है, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और भव्य पोते भव्य बिश्नोई, वो बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। और बंसीलाल का इकलौता परिवार बचा हुआ था, अब वो भी बीजेपी की राजनीति करेगा। और किरण चौधरी को बीजेपी में लाने का सबसे बड़ा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कमल, कई दिन पहले किरण चौधरी की मनोहर लाल से बातचीत हो गई थी, और मनोहर लाल की तरफ से बीजेपी आलाकमान से इस बात को लेकर अप्रूवल भी ले लिया गया था, क्योंकि किरण चौधरी का बड़ा कद था। और किसी बड़े कद के नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया जाता है तो आलाकमान की परमिशन जरूरी होती है। और इतना मानकर चलिए कि राजनीति में जब कोई भी बड़ा नेता दूसरे दल में जाता है तो एक कमिटमेंट होते हैं। अब देखना यहाँ पर होगा कि किरण चौधरी को बीजेपी ने क्या क्या कमिटमेंट किया होगा, क्या तो शाम टिकट को लेकर कमिटमेंट किया होगा, इसके अलावा उनके समर्थकों के एडजस्टमेंट को लेकर कमिटमेंट किया होगा आने वाले दिनों में।
राज्यसभा चुनाव होने 2 साल के लिए, क्या उसको लेकर भी कोई कमिटमेंट किया होगा? इतना मानकर चले कि किरण चौधरी राजनीति की एक बड़ी नेता है, धुरंधर नेता है, वो बिना किसी तरीके बिना किसी कमिटमेंट के बीजेपी में नहीं गई होगी। हालांकि थोड़ी देर में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगी, उनकी तरफ से बाकायदा मीडिया से बातचीत भी की जाएगी, बातचीत की जाएगी, चाहे हम बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, उनकी तरफ से इतना ही कहा जाएगा कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया, किरण चौधरी बिना कमिटमेंट के आ रही है, ये बातें कहने के होती है। लेकिन पर्दे के पीछे जब आप एक अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि किरण चौधरी की तकरीबन 25 से 30 साल की राजनीति कांग्रेस की राजनीति रही है, कांग्रेस को छोड़कर अगर बीजेपी में जा रही है तो कमिटमेंट के आधार पर वो जा रही है। अब उनको टिकट तो शाम सीट को लेकर किया गया हो, या उनके वर्कर्स के एडजस्टमेंट को लेकर कमिटमेंट किया हो, या फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर कमिटमेंट किया हो, अब देखना है कि आने वाले दिनों में किरण चौधरी को बीजेपी में किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है, श्रुति चौधरी को किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है। इतना जरूर है बीजेपी को किरण चौधरी के आने से फायदा मिलने जा रहा है, चाहे हम दक्षिण हरियाणा बेल्ट की बात करें, पूरे हरियाणा में एक मैसेज देने की बात हो, तो बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आना भी शुरू हो जाएंगी। सुबह 10:30 बजे का समय बताया गया था जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी नेता कहलाएंगी, कुछ देर बाद ही। आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करते हैं। हरियाणा वासियों को आज बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद में शामिल होंगे श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यह होगा। नई अनाज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज श्रमिकों के खाते में राशि पहुंचाएंगे। जो रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत श्रमिक है, उनको कई योजनाओं के तहत राशि मिलने वाली है। प्रदेश भर के करीब 1 लाख श्रमिकों को ये सौगात मिलने वाली है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, ये जो सौगात मिलने जा रही है, इसके बारे में विस्तार से बताइए खबर की तह तक पहुंचकर। देखिए बिल्कुल कमल, मुख्यमंत्री नायब सैनी का दोपहर बाद आज जींद का दौरा है और जींद में श्रमिक सम्मान समारोह जो है वो रखा गया है, जिसमें पंजीकृत जो श्रमिक हैं, आपने भी जो संख्या बताई करीब 1 लाख के आसपास, उनको सीधे किस प्रकार से सरकार की तरफ से जो सौगात है वो दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी जो है वो मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो श्रमिक है उनको लेकर के सरकार किस तरीके से काम कर रही है। देखिए कमल, अलग अलग वर्गों को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और खासतौर से नायब सैनी के कमान संभालने के बाद अगर हम बात करें तो इन तमाम मसलों को लेकर के कमान संभाली जा रही है, चाहे वो किसान से जुड़े हुए हों, चाहे वो आम लोगों से जुड़े हुए किसी तरीके की पोर्टल व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हो, जिनको लेकर के समाधान केंद्र जो है वो लगाए गए हैं, गरीब वर्ग को जो है 100-100 गज के प्लॉट देने को लेकर के हो, तो अलग अलग वर्गों को लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है उन्हें साधने की। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ये श्रमिक सम्मान समारोह जो है इसमें शिरकत की जाएगी बतौर मुख्य अतिथि, और जो सम्मान है वो श्रमिकों के सम्मान में किस तरीके से सरकार काम कर रही है, किस तरीके से उन्हें सौगात दी जाएगी, इसको लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साथ ही साथ बीजेपी वर्कर्स के साथ भी जो बैठक है वो नायब सैनी इसके बाद करते हुए नजर आएंगे, और इस बैठक के अंदर भी खासतौर से जो चुनावी तैयारियों को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है, चाहे चंडीगढ़ में तमाम जिलाध्यक्षों के साथ कल चर्चा हुई हो, चेयरमैन के साथ चर्चा हुई हो, या फिर संगठन के लोगों के साथ लगातार मिलने के सिलसिले की बात की जाए, तो नायब सैनी की तरफ से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर के भी जनता की नब्ज टटोलने को लेकर के जो काम है वो किया जा रहा है। तो वहीं श्रमिकों के सम्मान को लेकर के जींद के इस पूरे दौरे को रखा गया है, और उसमें कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए जितेंद्र चौधरी आपका इस खबर पर। एक बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंची हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर का इंतजार है। और इससे पहले श्रुति चौधरी से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है, आइए आपको वो बातचीत भी सुनवाते हैं। क्या कहा श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, ये जानना बहुत जरूरी है, सुनिए।
उन्होंने साथ दिया है जीवन के हर पड़ाव में, और चौधरी बंसी लाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सिद्धांतों पर इन्होंने अपना तमाम जीवन दिया है, ईमानदारी के साथ काम किया है, और आज साथ यहाँ पे खड़े हैं, भाजपा को मजबूत करने आए हैं, देश प्रदेश को मजबूत हम सब मिलकर मेहनत करके ईमानदारी के साथ। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जोश देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कि श्रुति चौधरी की जो भी खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी कि भाजपा को मजबूत करने का हम आगे काम करेंगे। मेरे सुनील अक्षय के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे और हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रही है। कुछ ही मिनट बाद तस्वीरें आपके सामने होंगी।